डॉक्टर अंबेडकर की बेटियां। दीपिका पादुकोण एक भारतीय महिला है, ठीक ऐसे जैसे सीमा राज सिंह, स्वरा भास्कर, अरुंधति रॉय, सिमता पाटिल या कोई भी ऐसी महिला जो आपके आसपास, आपके घर में, आपकी माता बहन, जो भी महिला स्टेटस है या जो आपके सहकर्मी है, ठीक उनकी तरह भारतीय है। मगर जब ये भारतीय महिला जेएनयू जाती है तो जो सामाजिक मीडिया है, जो सामाजिक मीडिया अचानक से एक उछाल लेता है और पूरे देश और देश के बाहर तक भी एक साथ तीर की तरह ये मीडिया अपना काम करता है, और इसके साथ में मजबूर होके जो असामाजिक मीडिया है, यानी एक सोशल मीडिया हो गया और एक ए सोशल मीडिया हो गया, एक सामाजिक मीडिया और एक असामाजिक मीडिया, यानी जो असामाजिक मीडिया है उसको भी मजबूर होके सामाजिक मीडिया की शरण में जाना पड़ता है। और इस बात के लिए, क्योंकि जेएनयू में दीपिका पादुकोण आई, वो बात को बताना पड़ता है। बेसिकली दीपिका पादुकोण ने एक शब्द भी वहाँ नहीं बोला, पूरी मूक नायिका। इस मूक नायिका से याद आया मूक नायक। मूक नायक जो बाबा साहब का सबसे प्रिय पत्र था, जो सबसे प्रिय उनका मीडिया था, उसको इस साल 100 साल यानी शताब्दी पूरी होने जा रहे हैं और इसके फंक्शन और इसके कार्यक्रम भी जगह जगह लग रहे हैं और लगेंगे मूक नायक के 100 साल पूरे होने के। मगर बाबा साहब की जो बेटियां हैं वो मूक नायिका बनती जा रही हैं। अरुंधति रॉय, एक संत एक डॉक्टर, क्या शानदार लिखा। जो स्वरा भास्कर हैं उनका जो पर्सनैलिटी है, व्यक्तित्व है, कमाल का बोलती हैं और कमाल का एनालिसिस करती हैं। दीपिका पादुकोण या सीमा राज सिंह, ऐसी हजारों ऐसी लाखों महिलाएं जो मूक नायिका बन के भारत को लगातार आगे बढ़ा रही हैं। भारत की बेटियां, अंबेडकर की बेटियां, जिनको अंबेडकर ने, डॉक्टर अंबेडकर ने आवाज़ दी, यानी कि पहले महिलाओं के पास में आवाज़ नहीं थी, महिलाएं बोल नहीं सकती थीं। बोलने की तो बात बहुत दूर की है, वो घर की दहलीज से बाहर नहीं निकल सकती थीं, किताब नहीं पढ़ सकती थीं, एनालिसिस नहीं कर सकती थीं, सोच नहीं सकती थीं। सोचने की बात तो बहुत दूर की है, वो अपना चेहरा भी किसी को नहीं दिखा सकती बिना सामने वाली मर्जी के, यानी उनको अपना चेहरा भी छुपाना पड़ता था। ऐसी महिलाओं को, ऐसे आधे भारत को जिन्होंने आवाज़ दी, जिन्होंने विचार दिया, जिन्होंने तर्क दिया, जिन्होंने नॉलेज दी, जिन्होंने जानकारी दी, वही डॉक्टर अंबेडकर की बेटियां अब डॉक्टर अंबेडकर के लिए सड़कों पे, मैदान में, फिल्म में, इंडस्ट्री में, लोकसभा में, विधानसभा में, विधायिका में, एजुकेटिव बॉडी के अंदर, न्यायपालिका में बढ़ चढ़ कर आ रही हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने जब कहा था कि ये सदी बेशक मेरी हो या ना हो, मगर अगली सदी मेरी होगी, मेरी होने का मतलब है कि अगली सदी, अगली जो शताब्दी है, अगली जो सेंचुरी है, वो संविधान की होगी और संविधान के अनुसार काम चलेगा। ये बात देखने में और सुनने में लग रहा है, क्योंकि चारों तरफ अंबेडकर की बेटियां छाई हुई हैं। अंबेडकर का अपने पिता का, अपने राष्ट्रपिता का फोटो अपने सर पर रख कर खूब जोर जोर से समानता, समता, बंधुता, मैत्री, भाईचारा, प्यार और देश को बढ़ाने की पूरी ताकत से बात वो कर रही हैं। तो मूक नायिका अपने आप में मूक नायक से बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं और होती जा रही हैं। कुछ लोगों को बड़ा ऐतराज़ हुआ सोशल मीडिया पे कि दीपिका पादुकोण तो अपना प्रचार करने के लिए, अपनी फिल्म का प्रचार करने के लिए वहाँ आई, स्वरा भास्कर अपनी फिल्म का प्रचार करने नहीं आई। जो स्वरा भास्कर का जो जेएनयू के अंदर आना या आंदोलन में आना, ये ज़्यादा अच्छा माना जाता है, क्योंकि उसमें गंभीरता है। ये बात ठीक हो सकती है, मैं भी इस बात को मान सकता हूँ, मगर आप सोचिए कि आप इतने पावरफुल हो चुके हैं, आप इतने शक्तिशाली हो चुके हैं कि अब आप किसी की भी फिल्म को प्रमोट करा सकते हैं, यानी फिल्म को प्रमोट कराने की गारंटी आपके पास आ गई है। वो कहीं और भी जा सकती थी, मगर जहां उन्होंने देखा कि यहां ज़्यादा लोग हैं, यहां अच्छे लोग हैं, यहां ठीक बात हो रही है, यहां
बिल्कुल, जो अपराध फिल्म में हुआ है उसके अनुकूल यहाँ बात हो रही है, उस अपराध को दबाने के लिए तो वहाँ जाना वाजिब बनता है। इसलिए आपको इस बात के लिए फ़ख्र होना चाहिए कि अब आप इतने पावरफुल हो गए हैं कि आप किसी भी फिल्म को प्रमोट कराने की शक्ति रखते हैं, अगर ऐसी बात भी है तो भी। और ये एक खुशी का विषय होना चाहिए कि आप बहुत शक्तिशाली साबित हुए, फ़ायदा दोनों का ही हुआ, फिल्म का भी प्रमोशन हुआ, फिल्म भी भारतीय है उसका प्रमोट होना चाहिए, उसका विषय बहुत अच्छा है, और आपका भी जो मंतव्य था, आपकी भी जो चीज़ें थी जिसके लिए आप दिन रात जेएनयू में लग रहे हैं, वह भी प्रमोट हुआ सोशल मीडिया पे भी, और जो असोशल मीडिया है उसके ऊपर भी, वहाँ बात पूरी दुनिया में आगे बढ़ी। मेरा यहाँ जो संदर्भ है वो है अंबेडकर की बेटियों से, कि अंबेडकर की बेटियाँ अब इतनी शक्तिशाली हो गई हैं, इतनी पावरफुल हो गई हैं कि वो अपने पिता, अपने राष्ट्रपिता डॉक्टर अंबेडकर को आगे बढ़ाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा रही हैं। अगर आपने दीपिका पादुकोण की प्रेजेंस में, मूक प्रेजेंस में, अगर आपने वो सारे सारे स्लोगन वहाँ सुने हों, जय पेरियार, जय भीम, जय बिरसा, जय भीम, जय फूले, जय भीम, जय 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 भीम, तो आप ये बात अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि भारत में जो डॉक्टर अंबेडकर ने शब्द कहे थे कि अगली सती, अगली सदी, अगली शताब्दी अंबेडकर की, यानी कि उनके संविधान की, समता की, मैत्री की और भाईचारे की होगी, वो बात कितनी आगे बढ़ चुकी है। पिछले 30 दिन के अंदर डॉक्टर अंबेडकर का कद दुगने से भी ज़्यादा बड़ा हो गया। राष्ट्र के आधे से ज़्यादा लोग अब उनको दिल से मानने लगे हैं, अब उनको समझने लगे हैं, और जिस राष्ट्र में आधे से ज़्यादा लोग किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को या उसके काम को या उसकी भावना को समझ जाएं, वो राष्ट्र का नेता हो जाता है। पहली बार डॉक्टर अंबेडकर पिछले 30 दिन के अंदर राष्ट्र के नेता होकर उभरे हैं, ये एक बहुत ही अच्छी बात है। जैसा कि बराक ओबामा ने कहा था कि अगर डॉक्टर अंबेडकर अमेरिका में होते तो हम उनको सूरज कहते, आज हम बराक ओबामा जी से ये कहते हैं, ओबामा जी, डॉक्टर अंबेडकर अब भारत के अंदर भी सूरज हैं। आपके कहने का शुक्रिया, आपकी बात सिद्ध हुई, सफल हुई, धन्यवाद।